उदयपुर वाटी में शनिवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन छठे दिन भी जारी रहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय बढ़ाने और स्थायी करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा, मांगे नहीं माने जाने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर महिला सशक्तिकरण की अर्चना पालीवाल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर उनकी मांगे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। आंगनबाड़ी नहीं खुलेगी, तब तक हम आंगनबाड़ी नहीं खुलाएंगे। क्यों, हमारे बच्चे नहीं है क्या कि हम 3,000-3,800 रुपए में काम करें? क्या मजदूर 4 घंटे मजदूरी करते हैं तो उनको नरेगा वालों को भी 200 रुपए मिलते हैं, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है सरकार के पास। धरने पर बैठे हुए अभी तक हमारा कोई समाधान नहीं हुआ है, और आगे यदि सरकार हमारी हमारा समाधान नहीं करेगी तो हमें आगे ये आंदोलन आगे तेजी से उग्र के रूप में आंदोलन करेंगे। और यदि हमारे प्रति कोई 17 तारीख तक कोई डिसीजन नहीं, इनका कम मानदेय कम है और काम ज्यादा, इनका शोषण हो रहा है महिलाओं का, इसलिए इनकी सभी हमारे कोई एक तो राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले, दूसरी बात है हमें जो गवर्नमेंट की सब सुविधाएं वो मिले, और हमारी आगे तक सीएम तक ये बात पहुंचाए और सीएम आगे जो हमारी महिलाओं की जो सहायता करे और महिलाओं की सारी मांग पूरी करे। जब तक हमारी कोई मांगे नहीं मानेगा, कोई सुनवाई नहीं की जाएगी, तो अभी तक हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारी मांगे पर सुनवाई नहीं की जाएगी, उसके बाद हम उग्र रूप से भी सामने आएंगे, और इसी से पहले हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, लेकिन हमारी मांगों को आगे तक नहीं पहुंचाएंगे, हम उग्र रूप में आएंगे और ये आंदोलन बहुत जोर से मतलब छिड़ जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। वही वो करेंगे, लेकिन इस आंदोलन को बंद नहीं करेंगे। सरकार से इसीलिए निवेदन है कि वो हमारी मांगों पर विचार करे।